तो फ्रेंड्स ये हमारे पास ओप्पो का A15 है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि अगर फ्रेंड्स आपके इस फोन में जो लॉक स्क्रीन मैगनीज होती हैं वो शो नहीं हो रही हैं तो आप उनको किस तरीके से शो करा सकते हैं, किस तरीके से लगा सकते हैं और उसके किस तरीके से सारी सेटिंग कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से, आपको इस वीडियो में हम आपके बताने वाले हैं। तो जैसे कि देखेंगे हमारी स्क्रीन है, जब हम स्क्रीन को ऑफ करते हैं और जब दोबारा ओपन करते हैं तो हर बार हमें नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं मिल रहे हैं तो वो किस तरीके से सेट कर सकते हैं मैं आपको वो ही बताऊंगा। और फ्रेंड्स अगर आपको मिल रहे हैं तो वो सेम टाइप के वॉलपेपर मिलते रहते हैं तो आपको वो चेंज करने हैं, तो सारा कुछ आपको बताएंगे आगे कि आप इनको किस तरीके से बंद कर सकते हैं और किस तरीके से उनको अपडेट करके नए नए वॉलपेपर यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ 2 फिंगर से पिंच इन करना है इस तरीके से। जब इस तरीके से करेंगे तो आपको दिखता है यहाँ पे एक सेटिंग का आइकन देखेगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सबसे नीचे आ जाना होगा और यहाँ दिखता है आपको ले हुआ लॉक स्क्रीन, इस पे आपको क्लिक करना है। अब जैसे कि देखेंगे यहाँ पे मेरा जो कि लॉक स्क्रीन मैगनीज है वो ओपन है। अगर फ्रेंड्स आपका नहीं है, आप लगाना चाहते हैं अपने लॉक स्क्रीन मैगनीज, तो आप इनको ओपन कर लीजिए। और फ्रेंड्स लगे हुए हैं और आप परेशान हो चुके हैं, एक ही तरह के आप वॉलपेपर आप देखने को मिलते हैं, नए नए तरह के वॉलपेपर नहीं मिल रहे हैं, ये सारी सेटिंग करना चाहते हैं तो भी वीडियो में बने रहिए। तो क्या करना है आपको, अगर आप चाहते हैं चेंज होकर नए नए वॉलपेपर मिल रहे हैं आपको अच्छे अच्छे वॉलपेपर, तो ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे ओपन कर देना है ये अपडेट ओवर मोबाइल नेटवर्क। अब फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जब भी नेट कनेक्शन ओपन होगा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे, नए नए वॉलपेपर ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे, तो आपके नए नए तरीके के वॉलपेपर आपको लोग स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे जब आप बार बार उन्हें चेंज करेंगे। आपको ये ओपन करने के बाद जस्ट नीचे दिखता है आपको करंट रिज्यूमे डेट, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप चेक अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलता है ऑलवेज वेरीफाई, तो आपको ये रहने देना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको आने के बाद यहाँ पे चेक अपडेट पे क्लिक कर लेना है। तो आपका नेट कनेक्शन ओपन होगा तो आपके फ़ोन में जितने तरीके के नए नए वॉलपेपर आने स्टार्ट होंगे, मतलब आ रहे होंगे, तो वो ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएंगे और अपडेट हो जाएंगे। तो आप नए नए तरीके के वॉलपेपर यहाँ पे लगा सकते हैं, मतलब आपकी स्क्रीन पर नए नए तरीके के वॉलपेपर आना स्टार्ट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स चाहते हैं आपके एक ही तरीके का वॉलपेपर रहे, जो आपने लगाया वही लगा रहे, तो उसके लिए क्या करना है आपको दिखता है लॉक स्क्रीन मैगनीज, ये वाला ऑप्शन बंद कर देना है। तो आपके स्क्रीन पर जो वॉलपेपर लगा हुआ होता है वही लगा रहेगा, जैसे कि ये वॉलपेपर हमारा लगाया हुआ तो यही लगा हुआ अब रह गया। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने लॉक स्क्रीन मैगनीज को सिस्टम चेंज कर सकते हैं और इसका बंद भी चालू भी कर सकते हैं। सब तरीके मैंने आपको इसमें फ़ोन की सेटिंग बता दी कंप्लीट तरीके से कि आप इसमें किस किस तरीके से अपनी लॉक स्क्रीन मैगनीज की सेटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।